आज हम बनाएंगे मुहर्रम पे बनाए जाने वाली रोट। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ऊपर से खस्ता और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। इसे हम बिना ओवन और तंदूर के बनाकर तैयार करेंगे। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छी होंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए देखते हैं कि मुहर्रम पे हर घर पे बनाए जाने वाली रोट किस तरह से बनाए जाते हैं। लेकिन सारे प्यारे व्यूअर्स से रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी और प्यारी सी गुजारिश है कि जो प्यारे व्यूअर्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और प्यारी सी लाइक और कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मुहर्रम पे बनाए जाने वाली तले हुए रोट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा गमला ले लिया है और इसमें हमने 500 ग्राम यानी कि आधे केजी मैदा इसमें हमने डाला है और एक कप यहाँ पे बारीक वाला सूजी इसमें हम डालेंगे। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप इसे ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लें। तो चलिए इसमें हमने एक कप सूजी यानी रवा इसमें डाला है। अब यहाँ पे हमने सूखे हुए नारियल को ग्रेट कर लिया इस तरह से, ये देखिए ग्रेटर से इस तरह से हम नारियल को ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने एक छोटी कटोरी नारियल को ग्रेट करके इसमें डाला है। आप चाहे तो बाजार वाले नारियल के बुरादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 20 से 25 काजू को ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे, दरदरा पीसना है। उसके बाद यहाँ पे दो छुहारे को हमने ग्रेट कर लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक बड़े चम्मच खसखस यानी पॉपी सीड्स इसे हम इसमें डाल देंगे। तो आप ये चीज़ें ज़रूर डालें। अब यहाँ पे हम 20 से 25 छोटी इलायची के बीज निकाल कर उसका पाउडर बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बस हाफ टी स्पून के करीब छोटी इलायची पाउडर आप ज़रूर डालें। ये घी के साथ मिक्स होकर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब यहाँ पे हम लगभग हाफ के जी हमने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे हम 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 200 ग्राम चीनी को हमने ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पाउडर बना लिया है। अब यहाँ पे हम बढ़िया सा कलर आने के लिए हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया, हाफ टी स्पून के करीब। आप चाहे तो इसकी जगह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 3/4 कप घी इसमें हम डालेंगे। आप चाहे तो देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगर रोट बना रहे हो तो देसी घी का ही इस्तेमाल करें, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स हमें करना है जब तक कि ये खस्ता बनकर तैयार ना हो, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे अगर और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हो तो आप अपने पसंद के अनुसार और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चीनी कम या ज़्यादा खाते हो तो कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो लीजिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये हाथों में बाइंड होने लगा है। तो अब क्या करेंगे, इस तरह से बीच में हम गड्ढा बना लेंगे और यहाँ पर हम थोड़े थोड़े दूध का इस्तेमाल करते हुए इसे हम गूंथ कर तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर रोट बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल करते हुए आटा को गूंथ कर तैयार किया है। आप चाहे तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर दूध से आप इसे गूंथ कर तैयार करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। बहुत ही कम दूध में ये गूंथ कर तैयार हो जाएगा, लगभग एक कप के करीब दूध इसमें लगता है गूंथने में। तो हमें दूध का इस्तेमाल रूम टेम्परेचर वाला करना है, ना तो गर्म चाहिए और ना ही ठंडी, बस रूम टेम्परेचर वाला दूध का इस्तेमाल करते हुए थोड़े थोड़े डालेंगे और इस तरह से हम इसे आटा की तरह गूंथ कर तैयार कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें आटा को ज़्यादा ना तो हार्ड और ना ही ज़्यादा गीला सानना है। तो 10 मिनट ढक्कन लगाकर रेस्ट पे डाल देंगे और 10 मिनट के बाद यहाँ पे हम आटा को इस तरह से हम ले लेंगे और बड़ा सा लोई बना लेंगे, यानी कि बड़ा सा पेड़ा हमें बनाकर तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर हम 4 से 5 रोट को एक बार में ही बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो लीजिए, हमने एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम बेलन का इस्तेमाल करते हुए हम इसे बेल लेंगे। तो इसे हम बेलेंगे तो बेलने से पहले हम ऊपर से थोड़ा सा पॉपी सीड्स लगा लेंगे, जिससे कि जो ऊपर वाली जो लुक होती है वो अच्छा लगे। ये देखिए, थोड़े से पॉपी सीड्स हमने ऊपर से इसके ऊपर लगा लिया है और हाथों से हम प्रेस कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम बेलन के इस्तेमाल से हम हल्के हाथों से इसे बेलकर तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने इसे बेलने में कोई भी मैदा या फिर आटे का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, क्योंकि इसमें
इतना खस्ता है कि ये ऐसे ही बेल कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो इसे आप ना तो ज़्यादा मोटी बेले और ना ही ज़्यादा पतली। तो बस इस तरह से हम हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ये बड़ा सा रोट बनकर तैयार है। तो इसे हम छोटे छोटे भाग में बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे शेप देने के लिए स्टील की ग्लास का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो स्टील की कटोरी का, यानी जिसकी किनारी धार वाली हो, उसका इस्तेमाल करते हुए इस तरह से हम कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो किनारे में जो फटे फटे होंगे वो बराबर शेप में होंगे। आप चाहे तो छोटी छोटी बेल कर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो किनारे में बिल्कुल जो कटे फटे होते हैं उस तरह से नहीं होगी। ये देखिए, एक बार में हमने 5 रोट बनाकर तैयार कर लिया। ये देखिए, है ना बिल्कुल परफेक्ट, इतना अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोट को एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी, बस इस तरह से ही होनी चाहिए। और एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। तो हम एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, इस तरह से हम इसे फैला कर रखेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से ना चिपके, क्योंकि इसमें चीनी अंदर में डाली हुई है। अगर आप एक के ऊपर रखेंगे दूसरे तो चिपक जाएंगे। तो बस इसी तरह हम फिर से बेलकर तैयार कर लेंगे। एक बड़ा सा लोई ले लेंगे फिर से, और फिर बेलन का इस्तेमाल करते हुए हम हल्के हाथों से बेलकर बड़ा सा रोट पहले बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और हम फिर से धार वाली ग्लास का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे इसे शेप देने के लिए। ये देखिए इस तरह से, है ना बिल्कुल आसान बनाना। ये बहुत ही ईजिली कट जाता है। धार वाली ग्लास या फिर आप धार वाली कटोरी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा। ये देखिए, बस सारे रोट को हम इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने सारे रोट को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे छान लेंगे यानी डीप फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़े से कढ़ाई को हमने गैस पे डाला है गर्म होने के लिए। गर्म होने के बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल लगभग 400 से 500 ग्राम के करीब, क्योंकि इसे हम डीप फ्राई करेंगे तो हमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है। ये देखिए, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया। पहले चेक कर लेंगे, थोड़ी सी आटा इसमें डालेंगे। देखिए ऊपर से बबल्स निकलने लगे हैं। तो हमारा ये ऑयल गर्म है, मीडियम गर्म होनी चाहिए और मीडियम फ्लेम रखना है। तो ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पे हम एक एक करके रोट को इसमें डालेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह स्पेस देंगे। और जब नीचे के पार्ट हल्का सा कड़ा यानी हार्ड हो जाए तभी आप इसे पलट दें। तो इस तरह से हम बहुत ही केयरफुल्ली इसे उलट पलट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता होता है। तो आप बहुत ही ध्यान से इसे उलट पलट करते हुए सुनहरा कलर होने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। तो बीच बीच में आप इस तरह से चलाते रहें, क्योंकि ये एक बराबर का कलर आए, यानी कि जब ये डीप फ्राई हो तो पूरे के पूरे रोट में एक तरह का कलर हो। तो इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से घुमाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ना तो ज़्यादा हाई रखनी और ना ही ज़्यादा लो। अगर आप लो रखेंगे तो ये टूटने लगेंगे और हाई रखेंगे तो ये जलने लगेंगे। तो ये देखिए, लगभग हमारा रोट बनकर तैयार ही होने वाला है। ये देखिए, सुनहरा कलर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, प्यारी सी एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो लीजिए, हमारा रोट बनकर तैयार है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर ले लेंगे ऑयल रिमूवर वाला, और उसमें हम बहुत ही ध्यान से एक एक करके उसमें डाल देंगे, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। थोड़ी देर इस तरह से कढ़ाई पर डालेंगे एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए, और बहुत ही ध्यान से हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। क्योंकि जब इसे हम ऑयल से निकालते हैं तो ये हल्का सॉफ्ट होता है। तो चलिए, हम बाकी के बचे हुए रोट को सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम डीप फ्राई कर लेते हैं। बस उसी तरह हमें डीप फ्राई करके तैयार करना है। ये देखिए, हमने बाकी के बचे हुए रोट को भी डीप फ्राई कर लिया है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, कितनी परफेक्ट और डिलीशियस बन के तैयार हुई है हमारी रोट। तो लीजिए, हमने इस तरह से एक प्लेट में रोट को सजा लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसे बनाकर महीनों तक स्टोर करके रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, आपको हम दिखाते हैं कि कितना ऊपर से क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुआ। ये देखिए इसकी आवाज़, और इसे हम तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। तो ये देखिए, है ना बिल्कुल ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट।
तो फ्रेंड्स, अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आए, और साथ में एक प्यारी सी लाइक और कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।